ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। कभी भी किसी व्यक्ति ने आपके साथ जाने और अनजाने में कुछ भी बुरा किया हो, आपका कोई नुकसान किया हो, आपके साथ कोई छल कपट किया हो, जिस वजह से आपका मन दुखी हुआ हो कभी भी, और उस वजह से आप अभी वर्तमान में कोई परेशानी में फंस चुके हैं, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ धन का छल कपट किया, किसी व्यक्ति ने हमें आर्थिक रूप से तोड़ दिया, किसी ने इमोशनल रूप से, तो किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ सच में कोई भी जाने या अनजाने में आपके साथ कुछ अहित किया, आपका बुरा किया, तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उन लोगों के साथ ईश्वर न्याय करे, उसके लिए एक मंत्र है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है, इसके प्रयोग से कई सारे जातकों को फ़ायदा हुआ है और ये पॉजिटिव उपयोग के लिए, कहीं भी नेगेटिव उपयोग के लिए नहीं है। मैं ये बात आपको पहले ही वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन आप भोले और सरल लोग हैं तो हम काउंटर कई बार नहीं कर पाते, हम चुप रहकर पीछे हट जाते हैं या ऐसी सिचुएशनें बन जाती है कि हम कुछ कह नहीं पाते। पर अब ये मंत्र के प्रयोग से आप चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है, आपका आभार है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर आए, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आप सुबह और शाम स्नान ध्यान करें, सुबह और शाम। सुबह भी बजरंग बाण का पाठ करना है 2 बार और शाम को भी 2 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का शीर्षक निश्चय प्रेम प्रतीक से शुरू होता है। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में अंतर है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ करना 7 दिनों तक रेगुलर करना है, जिसमें कुछ भी त्रुटि ना हो। त्रुटि से मतलब है कि कोई दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि बहुत कम समय में जो शत्रु हैं, जो शत्रुनाशक लोग हैं, जो लोग हैं जिन्हें हमारा अहित किया, उनके साथ ईश्वर न्याय जरूर करेगा। ओम नमः शिवाय।